कि सत्य प्रकाश दुबे का बेटा है, उसने बोल दिया है कि जब तक आरोपियों के घर में बुलडोजर नहीं चलेगा वो तेरवी नहीं मनाएंगे। ये देवरिया से बहुत बड़ी खबर है। सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने कहा है कि जब तक नहीं चलेगा बुलडोजर तब तक नहीं करूंगा तेरवी। ये बहुत बड़ी खबर, सत्य प्रकाश दुबे के बेटे का बड़ा ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है वो तेरवी नहीं मनाएंगे। उन्होंने प्रशासन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल प्रशासन जो है वो आश्वासन दे रहा है, पैमाइश की जा रही है, लगातार जो है इस मामले में जांच की जा रही है, लेकिन अब तक जो है इस मामले में कुछ भी खास ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार जरा हम वो बाइट को सुनवाना चाहेंगे जो देवेश ने कहा है मीडिया के सामने कि जब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तब तक जो है वो मैं तेरवी नहीं मनाऊंगा। देखिए अभी कार्रवाई पूर्ण रूप से हो नहीं रहा है। आज इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के 10 दिन हो चुके हैं आज के दिन से लेकर के। यह घटना किसी प्रशासन के घर के साथ होता प्रशासन चुप बैठती, अगर किसी और के साथ होता तो कोई चुप बैठता। आज तो 10 दिन उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर केवल हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो सकता है हम लोग ब्रह्मभोज करके हट जाए तो कार्रवाई दब जाए, हम इससे सहमत नहीं है। और रह गई बात कि जो भी हमारे माँ बाप को, हमारे पूरा परिवार को नरसंहार कर दिया है उसको फांसी की सजा मिले, नहीं तो इनकाउंटर हो, और उसके जितने जो हमारे भाई और बहन को गोली मारे हैं उनको तो पहले उनकी मकान ध्वस्त हो जानी चाहिए। और जब तक इन लोगों का मकान श्री प्रेमचंद्र यादव जी का नहीं ढह जाता और उनका मकान नहीं ढह जाता तब तक मैं ब्रह्मभोज अपना नहीं करूँगा। ब्रह्मभोज कब है आपका? 13 तारीख को है, इसी 13 तारीख को। तो ये वो बयान है जिसका बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जो जिसमें देवेश जो है वो साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्रशासन जो है वो केवल आश्वासन दे रहा है, प्रशासन नहीं चाहता कि इसमें ठोस कार्रवाई हो, लेकिन जब तक जो है बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है इस मामले में जो है वो तब तक तेरवी नहीं मनाएंगे। बता दें कि 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 अक्टूबर को ये मामला हुआ था, जिसमें जमीनी विवाद के चक्कर में जो है वो 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में राजनीति हो रही है। लगातार 2 बार जो है वो प्रेमचंद यादव के घर की जो है वो पैमाइश की जा चुकी है, वहाँ के ज़मीन की पैमाइश की जा चुकी है, लेकिन अब तक जो है इस मामले में कुछ भी जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है लगातार इस मामले में सवाल उठ रहे हैं, लगातार इस मामले को जो है राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से जो है वो दोनों ही पक्षों की तरफ से जो है वो लोगों ने, अपने अपने नेताओं ने उनके घरों को जाकर, उनके पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की थी, उसके बाद से जो है वो लगातार मामला वहाँ गंभीरता देखने को मिल रही है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशाल चौबे हैं, जो कि देवरिया से हमारे संवाददाता है। जी विशाल, सत्य प्रकाश दुबे के बेटे ने साफ कर दिया कि जब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी वो तेरवी नहीं मनाएगा। आपको बता दें ये पूरा मामला जो कि देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव का है, जहां 2 अक्टूबर के दिन सामूहिक हत्याकांड हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर बात करें देवेश दुबे की, तो देवेश दुबे का बस एक ही कहना है कि वो 13वीं तब तक नहीं करेंगे जब तक आरोपियों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं अगर बात करें प्रेमचंद्र यादव की लड़की की, तो उसका भी साफ तौर से कहना है कि मेरा आज बर्थडे है और बर्थडे गिफ्ट सरकार की तरफ से यही दिया गया है कि उसका घर करवाया जाए, जिससे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बयान से, आप कहीं ना कहीं सियासत गर्मा जाएगी लगातार जिस तरीके से नेताओं का भी आना जाना जारी है बदस्तूर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विगत दिनों सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान जारी हो रहे थे, जिसके बाद देवरिया के सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी ने श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बार बार जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो नेता है, वो हमारी जांच करवा सकते हैं कि हम कहां तक गलत हैं। वही अगर बात करें पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह की, तो जब वो डेलीगेशन के साथ पीड़ित
परिवार से मिलने पहुंचे और इसके बाद वो जब प्रेमचंद यादव के परिवार वालों से मिलने पहुंचे तो वो जो सलमबड़ी विधायक हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है कि डॉक्टर सलमबड़ी त्रिपाठी को मारा पीटा जा रहा था, उसमें मुलायम सिंह यादव ने ही उन्हें बचाया था, अगर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नहीं रहते तो वो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सियासी तो इसमें जाहिर सी बात हो ही रही है। बिल्कुल, सियासत जो हो ही रही है, इसके साथ साथ विशाल जी ये भी देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं दोनों परिवार भी बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ जो है यादव की जो बेटी है अंशिका दुबे, वो भी कह रही कि मेरा बर्थडे है और मुझे बर्थडे में घर गिराने का गिफ्ट मिला है, घर खाली करने का गिफ्ट मिला है। दूसरी तरफ देवेश है, वो कह रहा है कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी मैं तेर भी नहीं करूंगा। आप कहीं ना कहीं परिवार भी सामने आ गया है खुलकर। लगातार बयानबाजी दोनों परिवारों की तरफ से हो रहा है और कल जो है कि तहसीलदार कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 30 दिन के अंदर इनको जो है कि घर खाली कर देना है। जो इनका घर बनाया गया है वो नवीन पड़ती और खलिहान सहित वन विभाग की जमीन में बनाया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मानस इंटर कॉलेज की भी कुछ जमीन है जो प्रेमचंद्र यादव की जो मकान बनी है उसमें आ रही है, पैमाइश के दौरान ये बताया गया है जी। तो क्या लग रहा, आज भी कोई नेता वगैरह आने के उम्मीद है या अब जो है पुलिस के मुस्तैदी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है पूरे गांव में, लहरा टोला में और आसपास के इलाके में? जी बिल्कुल, आपको बता दे लगातार जो है कि प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। वही धरना भी दिया गया था जिसके जब गगन यादव देवरिया पहुंचे थे उसके बाद 100 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि फतेहपुर गांव के चारों तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद कर दिया गया है जी। विशाल जी, फिलहाल ताजा हालात भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप 10 से 11 दिन का वक्त बीत चुका है लगभग। प्राथमिक विद्यालय की तो अब धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो आना शुरू कर दिए हैं। आज की अगर बात करें तो आज प्राथमिक विद्यालय में लगभग 10 की संख्या में जो बच्चे हैं वो पढ़ने आए थे। तो कहीं ना कहीं गांव की जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो रही हैं और गांव में एक महीने के लिए धारा 144 लागू भी कर दिया गया है। लेकिन गाँव के नौजवानों की अगर बात करें तो वो गाँव छोड़ के कहीं अपने रिलेशन में या अन्य प्रदेश में जाके रह रहे हैं। तो हालात धीरे धीरे सामान्य भी हो रहा है और जब विवाद बढ़ रहा है तो हालात में एक तरह से बिगड़ता हुआ हालात देखा भी जा रहा है। यकीनन कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस की मुस्तैदी है तो हालात जो है गांव में धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान से जो है लगातार जो है अब सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ जो है वो देवेश जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं तेर भी नहीं मनाऊंगा, वहीं दूसरी तरफ जो है अंशिका दुबे हैं जो कि प्रेमचंद यादव की बेटी हैं, उनका कहना है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे के दिन जो है मुझे गिफ्ट में मिला है कि मेरा घर जो है वो खाली कर दिया जाए। उन्होंने लगातार जो है वो सीएम योगी से गुहार लगाई है और अपील की है कि उनके घर को जो है वो ना गिराया जाए, इसकी पैमाइश एक बार फिर से की जाए। तो अब कहीं ना कहीं देवरिया जो है इलाके में देवरिया के फतेहपुर गांव के लहरा टोला में जो है वो कहीं ना कहीं अब इस मामले में लगातार जो है सियासत भी गरमाई हुई है। लगातार जो है इस मामले में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से देवेश का बयान आया है और उस पर कहीं ना कहीं अब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। लगातार जो है लोगों के बयानबाजी भी इस पर कर रहे हैं, नेता जो है लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं।